दोस्तों, पवन वाघ एकेडमी में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है रैशनल नंबर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। रैशनल नंबर को जानने के पहले सबसे पहले हम रिवाइज करते हैं जो हम पहले पढ़ चुके हैं। कुछ ऐसे नंबर्स हैं जो रैशनल नंबर की डेफिनेशन को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले शुरू करते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? द काउंटिंग नंबर्स आर नोन एज नेचुरल नंबर्स। जिन नंबर्स का यूज काउंटिंग में होता है, जैसे 1, 2, 3, 4, मतलब जहां हमने पढ़ना शुरू किया था और जो हमने पहले स्टार्टिंग में जो नंबर्स पढ़े थे 1, 2, 3, 4, वो काउंटिंग नंबर्स है। इसकी डेफिनेशन ऐसी होती है, द काउंटिंग नंबर्स आर नोन एज नेचुरल नंबर्स। ठीक है, अब मेरे हाथ में ये चार पेन है। अगर आपको मैं कहूँ कि इसको काउंट करना, तो कैसे काउंट करेंगे आप? 1, 2, 3 एंड 4। ओके, मीन्स हमने कहाँ से शुरू किया? 1 से। तो जो नंबर 1 से शुरू होते हैं उनको हम काउंटिंग नंबर्स कहते हैं, उनको हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं। और हमने शुरू कहाँ से किया? 1 से। अगर आपको कोई पूछे कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, तो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर होता है 1। इसके बाद बात आती है अगले नंबर्स की, अगला टाइप की, दैट इज है होल नंबर। होल नंबर्स मींस द नेचुरल नंबर्स अलोंग विद 0 आर कॉल्ड होल नंबर्स। मतलब नेचुरल नंबर्स के साथ में अगर हम 0 को ले ले तो वो होगा होल नंबर्स। ओके, मींस 0, 1, 2, 3, 4, मींस इसके लिए स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या है? 0 है। और एक बात ध्यान रखिए, सारे के सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स होते हैं, बट सारे के सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर नहीं होते, क्योंकि यहाँ 0 है। ओके, अब अगली बात आती है इन दोनों के बाद, एक अगला जो है नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज देट आर इंटीजर्स। आपने इंटीजर्स पढ़ा है। इंटीजर्स क्या? कि द होल नंबर्स अलॉन्ग विथ ऑल निगेटिव नेचुरल नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स। मीन्स जैसे हमने होल नंबर की डेफिनेशन बनाई कि नेचुरल नंबर के साथ में 0 ऐड किया तो होल नंबर हो गया, अब होल नंबर के साथ में सारे नेगेटिव नंबर ले लिए तो वो हो गया इंटीजर्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक की, अगले टाइप के नंबर की, और वो है फ्रैक्शनल, फ्रैक्शनल नंबर। अब फ्रैक्शनल नंबर क्या होते हैं? और नंबर in the form of a upon b, where a and b are natural numbers। अब बात है फ्रैक्शनल नंबर की, तो जो a upon b के फॉर्म में होंगे उन्हें हम फ्रैक्शनल नंबर कहेंगे। और यहाँ a और b क्या है? a एंड b आर नेचुरल नंबर्स। Means both these numbers, like suppose I write 2 upon 3, so 2 upon 3 is a fractional number. If I write 5 upon 7, it is also a fractional number. Agar main yahan likhta hu ki -5 upon 7, so this is not a fractional number, because yahan par -5 hai aur -5 ye natural number nahi hai, it is not a natural number. So the number in the form of a upon b, where a and b are natural numbers or counting numbers, this number is called fractional number. Fractional number hota kya hai? It is a part of whole. Like I am writing 2 upon 3, so like this is the whole, aur iske 3 part kar diye maine, aur iske 3 parts mein se 2 ko maine shaded kar diya, to ye ban gaya 2 upon 3. Agar main particularly kisi whole ke 4 part karta hu aur I shade 1 part, then this will call 1 upon 4, ये 1 upon 4 होगा। तो इस तरह से fractional number होते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आपको ये दिया -5 upon 7, अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा? What will be this number? अगर ये -5 upon 7 ये fractional number नहीं, तो फिर ये क्या होगा? तो इस चीज को समझने के लिए यही ये -5 upon 7 ही rational number है। लेकिन वो कैसा होगा, उसकी definition क्या होगी, वो हम देखते हैं। इसको लेट मी कंप्लीट इट। द नंबर इन द फॉर्म ऑफ ए अपॉन बी, वेयर ए एंड बी आर नेचुरल नंबर्स, इज कॉल्ड
फ्रैक्शनल नंबर, ये फ्रैक्शनल नंबर की पूरी डेफिनेशन हो गई। ओके, अब बात होती है, लेट मी टॉक अबाउट रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर क्या है, इसकी डेफिनेशन और फ्रैक्शनल नंबर की डेफिनेशन एक जैसी ही है, सिर्फ फर्क इतना है कि यहां पर ये ए और बी जो नेचुरल नंबर है, यहां पर ये इंटीजर्स होंगे। मींस अगर मैं इसकी डेफिनेशन को चेंज करूं, इफ आई राइट लाइक दिस, द नंबर इन द फॉर्म ऑफ से ए अपॉन बी और पी अपॉन क्यू, वेयर ए एंड बी आर इंटीजर्स एंड बी इज नॉट इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड रैशनल नंबर। मीन्स अब जैसे हमने यहां पर देखा कि जो 2/3 मैंने जो लिख के रखा था 2/3, ये फ्रैक्शनल नंबर है। लेट मी राइट, इफ आई राइट -2/3 तो ये रैशनल नंबर होगा, ये फ्रैक्शनल है, ये रैशनल है, बिकॉज -2 इज इंटीजर। ये बात ध्यान रखिए, यहां पर आप नीचे और ऊपर दोनों जगह भी निगेटिव नंबर लिख सकते हैं, यहां -2/-3 भी लिख सकते हैं, ये भी एक रैशनल नंबर है। ओके, आप 0/3 भी लिख सकते हैं, ये भी रैशनल नंबर है, लेकिन आप 3/0 नहीं लिख सकते, 3/0 नहीं लिख सकते। ओके, बिकॉज मैंने एक अपने पिछले वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया था कि किसी नंबर को जब हम 0 से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है। इन शॉर्ट लेट मी एक्सप्लेन यू कि अगर यहाँ पर 10 है, अगर मैं 10 को 10 से डिवाइड करता हूँ आई गेट 1, अगर मैं 10 को 5 से डिवाइड करता हूँ आई गेट 2, अगर मैं 10 को 2 से डिवाइड करता हूँ आई गेट 5, अगर मैं 10 को 1 से डिवाइड करता हूँ आई गेट 10, और अगर 10 को मैं 0 से डिवाइड करता हूँ तो यहाँ क्या आएगा। ये दिस इज नॉट डिफाइंड, अभी तक ये डिफाइंड नहीं हुआ, लेकिन अगर आप इस साइड देखें तो यहाँ डिनोमिनेटर जैसे जैसे छोटा होते जा रहा है, यहाँ का आंसर बढ़ते जा रहा है। तो अगर यहाँ का मैं आंसर यहाँ डिनोमिनेटर में 0 लिखता हूँ तो ये यहाँ पर 10 है, यहाँ पर क्या आएगा, दिस इज नॉट एक्सप्लेन टिल नाउ, सो दैट इज वाई इसको ये नॉट डिफाइंड होता। तो दिस इज नॉट अ रैशनल नंबर, ये रैशनल नंबर नहीं होगा। अभी इस चीज को और समझने के लिए देखिए, मुझे बताइए कि 2, अब आप इसको क्यों रैशनल नंबर कहेंगे, आपके लिए सवाल होगा कि 0/3 क्यों रैशनल नंबर। देखिए 0 इंटीजर है और 3 भी इंटीजर है, और ये इस डेफिनेशन में फिट बैठता है, सो दैट इज व्हाई इट इज अ रैशनल नंबर। और अगर मैं आपको बताऊं कि 3 × 0 क्या होता है, वो 0 होता है, तो अगर मैं इस 3 को इसके अपॉन में दे दूं 0 = 0/3, तो 0 भी एक रैशनल नंबर होगा। ओके, नाउ बात आती है कि अब इसमें इस तरह के हम आपको कैसे, मतलब आप कैसे सर्च करोगे कौन सा रैशनल और कौन सा फ्रैक्शनल नंबर है। तो एक बात समझिए, ऑल दी फ्रैक्शनल नंबर्स आर रैशनल नंबर्स, सारे के सारे फ्रैक्शनल नंबर रैशनल नंबर्स होते हैं, क्योंकि फ्रैक्शनल नंबर्स बने होते हैं नेचुरल नंबर्स से, जिसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों नेचुरल होता है। ओके, दोनों काउंटिंग नंबर्स होते हैं, और वो काउंटिंग नंबर्स, दोनों के दोनों काउंटिंग नंबर यहां पर इंटीजर्स में आते हैं। यहां की स्पेशलिटी क्या है कि यहां ए और बी जो है वो इंटीजर्स है और यहां पर वो नेचुरल नंबर है, और सारे इंटीजर्स में सारे नेचुरल नंबर आ जाते हैं। तो इसीलिए ऑल द फ्रैक्शनल नंबर्स आर रैशनल नंबर्स, बट ऑल द रैशनल नंबर्स आर नॉट फ्रैक्शनल नंबर्स, ये चीज समझने की है। तो ये डेफिनेशन आपको अच्छे से समझना है, इसको आई होप कि ये आपको क्लियरली समझ में आया होगा। अब हम आगे देखते हैं पॉजिटिव एंड निगेटिव रैशनल नंबर, पॉजिटिव एंड निगेटिव रैशनल नंबर्स, पॉजिटिव एंड निगेटिव रैशनल नंबर क्या होते हैं। देखिए अगर किसी रैशनल नंबर का, देखिए दो चीजें लिख देता हूं मैं यहां, लिख देता हूं पॉजिटिव कौन से होंगे और निगेटिव कौन से होंगे, ठीक है। तो अगर किसी रैशनल नंबर का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का सेम साइन है, मतलब 2/7 है या -2/-7 है, -5/-11 है, -11/56 है, तो ये सारे के सारे, देखिए यहाँ दोनों जगह प्लस साइन है, दोनों जगह माइनस साइन है, तो अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की साइन सेम हुई तो वो पॉजिटिव रैशनल नंबर होता है। अभी आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे पॉजिटिव होगा, देखिए अगर मैं इसको -1 से मल्टीप्लाई कर दूँ नीचे रूप,
इट विल बिकम 11 अपॉन 56 से पॉजिटिव बन जाएगा। तो अगर किसी भी रैशनल नंबर के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की साइन अगर सेम होगी तो वो पॉजिटिव रैशनल नंबर होगा, और अगर किसी रैशनल नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की साइन अलग अलग होगी, देखिए यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो वो निगेटिव रैशनल नंबर होगा। माइनस 7 अपॉन 11 या 11 अपॉन माइनस 15, तो इस तरह से निगेटिव और पॉजिटिव रैशनल नंबर को हम अलग अलग कर सकते हैं। नंबर properties of rational number, इसमें सबसे पहली property है that all the natural numbers are rational numbers, जितने भी natural numbers होते हैं वो सारे के सारे rational number होते हैं, all natural numbers are rational numbers। अब ये कैसे होगा, देखिए natural numbers means what, natural numbers means 1, 2, 3, 4, 5 and so on। 1 को मैं 1 upon 1 लिख सकता हूँ, 2 को भी मैं 2 upon 1 लिख सकता हूँ, इसको 3 अपॉन 1 लिख सकता हूं, 4 को मैं 4 अपॉन 1 लिख सकता हूं, दिस इज 5 अपॉन 1। सो इन दिस वे वी कैन रिप्रेजेंट ऑल द नेचुरल नंबर इन द फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर। तो इसीलिए सारे नेचुरल नंबर ये रैशनल नंबर्स होते हैं। इसके बाद एक्सक्यूज मी, ऑल होल नंबर्स are rational numbers, सारे whole numbers भी rational numbers होते हैं। Whole numbers means 0, 1, 2, 3 and 4, so on। तो 0 को मैं 0 upon 1 लिख सकता हूँ, 1 को 1 upon 1, this is 2 upon 1, this is 3 upon 1, 4 upon 1, and that is why all the whole numbers are rational numbers। अब हम बात करते हैं अगला जो हमारा अगली जो प्रॉपर्टी है उसकी, दैट इज देखिए जैसे ऑल नेचुरल नंबर रैशनल नंबर थे, ऑल होल नंबर्स रैशनल नंबर थे, उसी तरह से ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स। अब देखिए इंटीजर्स मीन्स व्हाट, माइनस 3, माइनस 2, माइनस 1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, और मैं इसको 3 अपॉन 1 लिख सकता हूँ, 2 अपॉन 1 लिख सकता हूँ, 1 अपॉन 1 लिख सकता हूँ, 0 अपॉन 1, इन सबके डिनोमिनेटर में अगर मैं 1 लगा दूँ तो ये सारे रैशनल नंबर बन जाते हैं। तो इसलिए ऑल द इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स। और एक प्रॉपर्टी मैंने आपको पहले ही बता के रखी थी, दैट वॉज ऑल फ्रैक्शनल नंबर्स आर रैशनल नंबर्स, जितने भी फ्रैक्शनल नंबर होते हैं वो रैशनल नंबर होते हैं, जिसके बारे में हम ऑलरेडी मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं, ठीक है। तो ये इसकी चार प्रॉपर्टी है। आफ्टर दिस हम अगली प्रॉपर्टी देखते हैं, अगली प्रॉपर्टी है व्हेन इफ देयर इज अ रैशनल नंबर से ए अपॉन बी, अगर मैं ए और बी मीन्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करता हूं तो इसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता। मीन्स व्हाट, सपोज आई एम हैविंग अ रैशनल नंबर 2 अपॉन 7 एंड इफ आई मल्टीप्लाई बाय 5 इन न्यूमरेटर एंड बाय 5 इन डिनोमिनेटर आई गेट 10 अपॉन 35। सो इसकी वैल्यू देखिए आपको देखने में 2 का 10 हो गया है, लेकिन अगर आप इसको कैंसिल ही करेंगे यू विल गेट अगेन 2 अपॉन 7, तो उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता। अगली प्रॉपर्टी है कि अगर किसी रैशनल नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम अगर सेम नंबर से डिवाइड करें, से द सेम नंबर दैट इज n, अगर हमने n से डिवाइड किया तो उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता। अब एक काम करते हैं, मैं यही नंबर यहां पर लेता हूं 10 अपॉन 35,
यहाँ देखिए 10 और 35 ये दोनों 5 के टेबल में आते हैं, मीन्स न्यूमिरेटर डिनोमिनेटर ये दोनों 5 के मल्टीपल है, तो हम इसको 5 से डिवाइड कर सकते हैं। वी कैन डिवाइड हियर बाय 5, हियर ऑल्सो वी कैन डिवाइड बाय 5, वी विल गेट 2/7। तो ये देखिए आपको सेम नंबर हमें मिला है। तो ये दो प्रॉपर्टी बहुत काम की है। कुछ जगह पर आपको क्वेश्चन आएंगे, आपको रेशनल नंबर एक दिया होगा और आपको कहेंगे कि जैसे अब ये 2/7 है, आपको ये कह सकते हैं कि मेक द न्यूमिनेटर 14 और हाउ वी विल गेट न्यूमिनेटर 14। अगर इसको 14 बनाना है तो आपको नीचे ऊपर दोनों 7 से मल्टीप्लाई करना होगा। अगर वो बोले कि -14 चाहिए तो आपको नीचे ऊपर -7 से मल्टीप्लाई करना होगा। तब अभी देखिए अभी ये 2/7 है, अगर आपसे कोई कहे कि 2/7 आपके पास रेशनल नंबर दिया है और आपको उसका न्यूमिनेटर -20 करना है, अब -20 आपको अगर न्यूमिनेटर करना है, 2 के टेबल में 20 आता है 10 टाइम्स, ओके तो मैं दोनों में 10 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, और वो कह रहा है -20 तो आप -10 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों जगह, यहाँ भी और यहाँ भी, यू विल गेट -20/-70। तो इस तरह से आप जो भी आपको जो क्वेश्चन आता है उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। अगली प्रॉपर्टी जो है वो है कि जब दो आपके आपको रेशनल नंबर दिए हैं और आपको ये कहा है कि बताइए कि वो दोनों रेशनल नंबर इक्वलेंट है या नहीं, इक्वल है या नहीं, तो वो आप कैसे देखेंगे। तो उसको देखने के लिए एक काम करते हैं, देखिए यहाँ पर कि सपोज हमारे पास में जो दो जो रेशनल नंबर है वो है, एक है a/b एक रेशनल नंबर और एक है c/d, ठीक है। इफ द प्रोडक्ट ऑफ ad इज इक्वल टू bc, अगर ad का प्रोडक्ट और bc का प्रोडक्ट अगर इक्वल आता है तो ये दोनों रेशनल नंबर आपस में इक्वल होते हैं। एक काम करते हैं, हम ये दोनों नंबर लेते हैं उसको चेक करके देखते हैं, जैसे 2/7 है और यहां है 10/35। देखिए 2 और 35 का मल्टीप्लाई करता हूं मैं, टू इंटू 35 ये 70 होता है, और 7 × 10 करते हैं ये होता है 70। देखिए दोनों इक्वल आ गए, सो दैट दीज टू रेशनल नंबर्स आर इक्वल। तो इसका रूल क्या है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ द न्यूमिरेटर ऑफ द फर्स्ट नंबर एंड द डिनोमिनेटर ऑफ द सेकंड नंबर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द डिनोमिनेटर ऑफ द फर्स्ट नंबर एंड द न्यूमिरेटर ऑफ द सेकंड नंबर इज इक्वल, देन द गिवन रेशनल नंबर्स आर सेट टू बी इक्वल। तो अगर पहले नंबर के न्यूमिरेटर का और दूसरे नंबर के डिनोमिनेटर का प्रोडक्ट पहले नंबर के डिनोमिनेटर और दूसरे नंबर के न्यूमिरेटर के प्रोडक्ट के इक्वल आए तो वो दोनों रेशनल नंबर आपस में इक्वल होंगे। अब एक बात ध्यान रखिए, ये एक रूल हो गया कि जब ये दोनों इक्वल हैं तो यहां पर ये आपस में इक्वल होंगे। अगला रूल ऐसा है कि अगर इफ द प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द न्यूमिरेटर ऑफ द फर्स्ट नंबर एंड द डिनोमिनेटर ऑफ द सेकंड नंबर इज ग्रेटर देन द प्रोडक्ट ऑफ द डिनोमिनेटर ऑफ द फर्स्ट नंबर एंड द न्यूमिरेटर ऑफ द सेकंड नंबर, देन इन दैट केस द फर्स्ट रेशनल नंबर इज ग्रेटर देन द सेकंड वन। ये अगली कंडीशन है। और थर्ड कंडीशन ये है कि इफ द प्रोडक्ट ऑफ द न्यूमिरेटर ऑफ द फर्स्ट नंबर एंड द डिनोमिनेटर ऑफ द सेकंड नंबर is less than the product of the denominator of the first number and the numerator of the second number, then the first number is smaller than the second number. तो इस तरह की ये सारी की सारी properties हैं जो आगे आपको use करनी है। ये बहुत simple concept है, इसको इन rules को आपने ध्यान में रखा तो आप easily इसको solve कर सकते हैं। लेकिन condition देखिए, मैंने यहाँ पर इसको पहले लिखा है, actually ये यहाँ condition इस तरह से है, इसके बाद ही आप इसको लिख सकते हैं, ठीक। अब बात आती है इसको रेशनल नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं, अब हम उसकी चर्चा करते हैं, उसको हम एक्सप्लेन करते हैं। देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म मींस क्या, कि अगर आपके साथ आपके पास कोई रेशनल नंबर है तो पहली बात उस रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर निगेटिव नहीं होना चाहिए, और दूसरी शर्त यह है कि न्यूमिरेटर डिनोमिनेटर में कॉमन फैक्टर कुछ नहीं होना चाहिए।
अब वो कैसे, सपोज मेरे पास एक नंबर है फाइव अपॉन -30, ओके, तो ये इसको मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। सबसे पहले मैं क्या करता हूं कि अगर ये दोनों किसी पर्टिकुलर नंबर के टेबल में आते हैं, यहां देख रहे हैं हम क्लियर कि 5 और 35 दोनों 5 के टेबल में आते हैं, हम इन दोनों को 5 से डिवाइड कर लेते हैं, विल गेट 1 अपॉन -7। मैंने क्या कहा, दो शर्तें हैं, नंबर वन इसका डिनोमिनेटर पॉजिटिव होना चाहिए और दूसरी शर्त है न्यूमिरेटर एंड डिनोमिनेटर में नो कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर कुछ नहीं होना चाहिए, ओके। अभी यहां कॉमन फैक्टर 5 था दोनों में, तो इसके लिए मैंने 5 से डिवाइड कर दिया। अभी यहां पर देखिए डिनोमिनेटर पॉजिटिव होना चाहिए, तो यहां तो डिनोमिनेटर निगेटिव है, तो उसको मैं कैसे पॉजिटिव करूंगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि 1 अपॉन -7 में नीचे ऊपर -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बिकम -1 अपॉन 7। सो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ -5 अपॉन -35 का स्टैंडर्ड फॉर्म है -1 अपॉन 7। तो इस तरह से आप किसी भी रैशनल नंबर को उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं, बहुत सिंपल तरीका है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।